इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, तो और 60,000 लोग स्थापित को रिहैबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस नोक बाद में की, तो लोकसभा में एडजमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी, ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजमेंट मोशन देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रख कर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 दो दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस अर्जन हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीज़ों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते, वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे।